Hello everyone. Welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG. अगले 10 मिनट में हम NEET UG पे बेस एक टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF Gate JES JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi South X branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. Unacademy is the best online learning platform. Unacademy के plus subscription पे आपको क्या-क्या मिलेगा? Daily live class मिलेगी, interactive होगी, structured course होगा inline with the syllabus of the exam. लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे. अनलिमिटेड एक्सेस होगा वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन. उसके बाद आप जितने भी इंडिया के बेस्ट टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को एनी टाइम फ्रॉम एनी वेयर एक्सेस कर पाएंगे. ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं इसमें आपको ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिल ही रहे हैं. उसके अलावा पर्सनल कोच मिल रहा है वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर है, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज है, टेस्ट एनालिसिस, इन-डेप्थ टेस्ट एनालिसिस विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच. अगर हम प्राइसिंग की बात करें, फी स्ट्रक्चर की बात करें, 24 अक्टूबर से प्लस की फी स्ट्रक्चर 1 मंथ की 7000, 3 मंथ की 17500, 6 मंथ की 28000, 1 ईयर की 38500, 2 ईयर की 56000 हो जाएगी. बट जैसे आप मेरा कोड यूज करेंगे लाइव ए भी आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा. 1 मंथ की फाइनल फी 6300, 3 मंथ की 15750, 6 मंथ की 25200, 1 ईयर की 34650 एंड 2 ईयर की 50400. अगर मैं आइकॉनिक की फी की बात करूं, 6 मंथ की फी 38000, 1 ईयर की फी 65000, 2 ईयर की फी 1 लाख. बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हैं लाइव एवी आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा. 6 मंथ की फाइनल फी 34200, 1 ईयर की फाइनल फी 58500, 2 ईयर की फाइनल फी 90000 होगी. ध्यान रखना है लाइव एवी इज माय रेफरल कोड. इस कोड का यूज करने से आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा. अनअकेडमी लर्निंग ऐप को आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे इसको डाउनलोड करना है, अनअकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है. उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है एम्स 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन अल्टरनेटिंग करंट. आपको बता दूं एम्स का पेपर अब अलग से नहीं होता, नीट में ही मर्ज हो चुका है. तो इसके लिए एम्स 2019 तक था तो पेपर का लेवल नीट का अब टफ हो सकता है, इसलिए हम एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं. पहला क्वेश्चन है इन एलसीआर ऑसिलेटरी सर्किट फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट रेजोनेंस इफ वोल्टेज सोर्स इज 10 वोल्ट. वोल्टेज 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, रेजोनेंस है तो करंट आ गया वी बाय आर. वी बाय आर का मतलब आरएमएस करंट है, ये आरएमएस करंट मतलब 10 बाय 10 तो ये 1 एम्पियर का आ गया. एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1, तो क्या आ गई एनर्जी बेटा 0.5 जूल. ये एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होगी, जो आपका आंसर आ गया एम्स 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है. अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. इन एलसीआर सर्किट सोर्स वोल्टेज इज 120 वोल्ट एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज 50 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज 40 वोल्ट, डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. देख लेते हैं बेटा, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस, ये सोर्स वोल्टेज, ये दी हुई है 120 वोल्ट. इंडक्टर के पास वोल्टेज है 50 वोल्ट, रेजिस्टर के पास 40 वोल्ट, यहां 50 वोल्ट यहां 40 वोल्ट. कैपेसिटर के पास आपको बतानी है, कैपेसिटर के पास आपको बतानी है, तो आपको पता होना चाहिए वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर. कोई डाउट है? तो वी आर एम एस नेट दी हुई है 120, वी एल 50 माइनस वी सी जो मुझे निकालनी है एक्स मान ली प्लस 40. कोई डाउट? स्केयरिंग बोथ साइड 120 का स्क्वायर 1440, ठीक है, इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर. 1440 माइनस 40 का स्क्वायर इज 1600, दिस इज इक्वल टू 50 माइनस x का स्क्वायर. अब आप इसको माइनस करो बेटा, 14400 में से 1400 जाएंगे 1300, ये बच गया 12800 इक्वल टू 50 माइनस x का स्क्वायर.
माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 1280 प्लस माइनस 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब 128 ये 64 इंटू 2 हो गया, 64 का 8 हो गया, इंटू 10 80 रूट 2, ठीक है ना, 80 का 6400 इंटू 2 1800 तभी बनेगा, ये प्लस माइनस बन। अब आप एक चीज समझो, 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 80 रूट 2, तो आपका यहां से जो x आ गया वो आ गया 50 प्लस 80 रूट 2 और एक आ जाएगा 50 माइनस 80 रूट 2, ये तो नेगेटिव बन रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 50 प्लस 80 रूट 2। अगर 50 प्लस 80 रूट 2 आपका आंसर है, 50 प्लस 80 रूट 2 का मतलब क्या कॉमन ले लूंगा, देखो है क्या कोई अच्छी ऑप्शन, 10 कॉमन ले लूं या 10 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बच गया 5 प्लस 8 रूट 2, ये मेरा इतने वोल्ट आंसर आ गया, 10 इंटू 5 प्लस 8 रूट 2, ये आंसर है बी ऑप्शन, एम्स 2019 में आया हुआ हमारा ये क्वेश्चन है, हमने बिल्कुल सेम लाइन पे डायग्राम बनाकर हमें ये पता है कि ये वीएल है, ये वीसी है, ये वीआर है, और हमें पता होता है एसी सर्किट में नेट वोल्टेज निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है आरएमएस वैल्यू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट टी जीरो, कैपेसिटर मतलब टी जीरो पर मैक्सिमम एनर्जी क्यू नॉट चार्ज है, देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एट टी इक्वल टू जीरो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये है ध्यान रखना है, तो आपकी इक्वेशन बन गई एलसी ऑसिलेशन है क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कोस ओमेगा, तो जो आपका करंट आएगा वो आएगा क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा। अब कह रहा है करंट मैक्सिमम कब होगा, आपको ये निकालना है, तो बेटा मैक्सिमम करंट तो क्यू नॉट ओमेगा है, दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये कैंसिल ही हो गया क्योंकि यही मैक्सिमम करंट है, तो आपकी साइन की वैल्यू वन आनी चाहिए, साइन की वैल्यू वन कब आएगी, ओमेगा होगा वन बाय रूट एल सी टी इज इक्वल टू वन, तो आपका जो टाइम आया वो कितना आ गया बेटा साइन, अच्छा नहीं साइन में है ना, साइन में वैल्यू वन कब होती है, साइन में वैल्यू वन होती है पाई बाय टू, तो आपका जो टी की वैल्यू आई वो आई पाई बाय टू रूट एल सी, पाई बाय टू। अब रूट एल और सी की वैल्यू देख लो बेटा, एल 25 सी 10, एल 25 इंटू 10 की माइनस 3, सी 10 माइक्रोफेरेड 10 इंटू 10 की माइनस 6, तो ये हो गया पाई बाय टू, 25 का रूट 5 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 माइनस 4, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है 5 पाई बाय 2 इंटू 10 की माइनस 4, अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आई मैंने क्या किया, रूट एल सी वैल्यू निकाली 5 पाई बाय 2 इंटू 10 की माइनस 4, सिंप्लीफाई करते हैं क्या है बताइए, बाय 10 कर दूं, ये अपनी साइड से इसको ऐसे लिख लो 5 पाई बाय 2 इंटू 10 मिली सेकेंड, 5 पे ये गया 2, ये कितना आ गया पाई बाय 4 मिली सेकेंड विल बी योर आंसर, पाई बाय 4 मिली सेकेंड मींस बी ऑप्शन विल बी योर आंसर, एम्स 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, हमने सिंपली कैलकुलेशन की और वैल्यू लिख दी, एलसी ऑसिलेशन है इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस क्वेश्चन नीट में आने के चांसेस है। थैंक यू, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, लाइव एवी इज माय रेफरल कोड, इस रेफरल कोड से आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा, थैंक यू।